तो हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो आ चुके हो और एक न्यू सोलो कॉन्करर गांड घिसने वाला, मतलब रैंक पुश वाले वीडियो के साथ। तो वापस तो ये सीज़न तो ख़त्म होने वाली है, तब दूसरे सीज़न में आप भी अगर सोलो में रैंक पुश करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। अब उतर चुके थे प्लेन के लास्ट में, तो और थोड़ी देर रहता तो धक्का मार के उतार देता। तो आ चुके तो मिल्टा में, अब इधर देखते बंदा कोई उतरा है क्या लौड़ा लगाने के लिए। अब एक बंदा दिख रहा था जो उतर रहा था, पहले तो गन ढूंढ के इसको पेलने की कोशिश करेंगे। तो इधर तो उतर चुके थे तो घंटा कुछ नहीं मिलता हमको, तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है पहले। तो इधर एक बैरल मिल गया था, तो हम भी कैंपर हाउस ऊपर उठ के बैठ जाते हैं, हम भी करेंगे कैंप। तो इधर पहले बंदा तो देखते हैं लोकेशन उसका कि वो बंदा है किधर। तो बंदा तो नहीं दिख रहा था, अब थोड़ा सा हल्का सा दिखा कि वो बंदा एकदम बेरा उसके पीछे से जा रहा है। तो हम सोचे कि रोड क्रॉस करने से पहले ही उसको पेल दे, लेकिन जाते जाते थोड़ा लेट भी हो गया। लेकिन वो बंदा देखो एकदम से दूर से निकल गया बंदा। वो बंदा उधर जाके और फायर भी नहीं करता, तो हम भी इधर से लूट के पहले निकल लेते हैं। वो बंदा भी निकल गया था, तो हम घंटा क्या उखाड़ लेंगे। हम भी निकल जाते हैं एकदम सर्कल में। तो बंदा थोड़ा सा मैं देख रहा था कि बंदा है क्या, तो बंदा उधर तो नहीं था। अब इधर जैसे ही सर्कल में, इधर घर पे बंदा था जो फायरिंग आया। अब इधर ऊपर उठ के बंदा को देखते हैं कि बंदा है किधर। तो इधर फायर हो रही थी, दो बंदा था, एक जो ओपन से आ रहा था और एक दूसरा बंदा जो घर पे था। तो ओपन वाले को पहले देखते हैं कि इसको मार सके क्या। तो इधर ओपन वाले बंदे को स्पॉट करने की कोशिश किया, सोचता हूँ थोड़ा सा दिख जाए तो उसको मार सके। तो ओपन वाला बंदा थोड़ा सा हल्का सा दिखा, अब इसको थोड़ा सा डैमेज। तो इसको थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन ये पीछे की तरफ भाग गया। तब एक घर वाला तो मुंह ही नहीं निकाल रहा था, वो एकदम पीछे अंदर बैठ गया, दिख ही नहीं रहा था। अब इधर से भी सर्कल निकल गया था, तो हम भी इधर से निकल लेते। तो पहले देख लेते कि सर्कल के जाना किधर है। तो हम भी इधर से निकल लेते एकदम सर्कल में। तो अभी भी 33 बंदा अलाइव था, तो अभी भी अगर आप मर जाओ तो भाई आपका गंदा लग जाएगा, आपका पूरा आधा घंटा खेल के लौड़ा लग जाएगा। तो इधर बग्गी उठा लेते हैं, क्योंकि बग्गी का माइलेज भी ज़्यादा होगा, माइलेज का बाप है बग्गी। तो इधर बग्गी लेके उठा के जैसे घर के पास आया, तो ये बंदा कैंप करके बैठा था, पहले से फायर ही नहीं दिया। तो इधर भी घर पे बंदा ही था, चारों तरफ बंदा ही था। तो पहले हम सोचते पहले घूम लेते हैं कि कोई भी किधर भी रुक जाए, अगर पहले उड़ा पीछे से ना आ जाए पेल दे। तो पहले तो इधर चारों तरफ बग्गी घुमा लेते कि बंदा है किधर 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 बंदा है। तो इधर तो पहले अभी तो सर्कल था, लेकिन इधर पूरा ओपन था। तो हम घूम के पीछे की तरफ चला जाते, क्योंकि पीछे उधर एक सेट था लकड़ी का, तो हम उधर ही सोचते थोड़ी देर रुक जाए। तो ये वाला सेट तो थोड़ा सा बेकार है, क्योंकि टनल में अगर बंदा आ जाएगा तो नेट से आपकी गांड फट देगा। इधर लकड़ी वाला सेट पे बंदा नहीं था, तो इधर ही सोचते बैठ जाए थोड़ी देर जब तक सर्कल नहीं पड़ जाता। तो इधर एक सर्कल तो इधर ही पड़ गया था। अब देखो इधर से एकदम टपाटप नेट आता है कि बंदा पास में आ जाता, तो मैं देखता हूँ कि बंदा है किधर। तभी देखता हूँ कि पीछे पत्थर में थोड़ा सा हल्का सा हलचल हुआ, पत्थर में ही बंदा दिखा। तो बंदा नेट पे नेट करे जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा दूर था तो मेरे तक नेट आया नहीं उसका। तो मैं भी एक नेट फेंकता हूँ कि उसके पास चला जाए, लेकिन मेरा भी नेट आगे जाके फट जाती है उसके पहले ही। तो बंदे का नेट भी ख़त्म हो गया था, सर्कल में निकलना था। तो बंदा ओपन से आया तो इसको गांड फट दी। अब वो बंदा तो मर गया। अब मेरा भी चलो नेट करके मेरा बग्गी फोड़ दिया था। अब एक मेरे को अच्छा गाड़ी भी चाहिए थे, तो डैमेज वाला बग्गी लेके जाओगे कोई भी बंदा पेल देगा। तो इधर एक गाड़ी आई, तो मैं सोचा इसको मारने के लिए बाहर निकले कि इसको मार के किसके गाड़ी ले ले। लेकिन वो बंदा तो पहले समझदार था, पहले ही घूम गया बग्गी देख के। अब इधर पीछे भी एक बग्गी आया थी खड़ा करके, रास्ते के उस पार खड़ा करके झाड़ियों में छुप गया एकदम। तो बंदे को पहले देखने की कोशिश करता हूँ, तो बंदा एकदम नागिन बन गया था, दिख ही नहीं रहा था। अब और एक गाड़ी गई, तो हम ये बाहर निकल गए कि उसको भी मार दे लोड़ा। कोई भी आगे से नहीं जाता, तो सोलो में यही होता है कि बंदा गाड़ी देखने से पहले निकल जाते।
तो इधर पीछे से और एक बग्घी आ गई थी। तो ये बग्घी वाला जैसे ही उतरा इसको तो पेल दिया। अब बारी थी इसको लूटने की, क्योंकि इसको लूट के इसका बग्घी भी मिल जाएगी फ्रेश, और इसके पास से लूट भी मिल जाएगी अच्छे, तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरे पास स्प्रे देने वाले कोई गन नहीं था, तो इसके पास से M4 मिल गई। M4 उठा लेते पहले। अब इधर सर्कल भी गिर गया था, तो इसका बग्घी लेके निकल लेते सर्कल में। अब इधर पूरा सर्कल पूरा ओपन हो गया था, अभी ये होगा फाइट, देखना एकदम मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बंदा बंदा चारों तरफ होगा और पूरा ओपन में सर्कल। तो इधर देखो और एक बग्घी मेरे सामने ही जा रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि इधर ऊपर आके रुक जाते हैं किधर ओपन में, किधर घास में लेट जाते एकदम। लेकिन इधर चारों तरफ बंदा ही बंदा था भाई, जिधर भी जा रहे थे भाई पड़ रही थी। तो पीछे भी बंदा था, आगे भी बंदा था, और ये मेरे पीछे ही एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था। तो सोचते इधर ही रुक जाते हैं थोड़ा कवर बना के। तो इधर गाड़ी का थोड़ा सा कवर बना है, पीछे तो सर्कल नहीं था लेकिन पीछे बंदा बहुत था। तो इधर मेरे आगे ही एक बंदा था जो फाइट कर रहा था, मैं सोचता पहले मारते उसको। तो पीछे भी बंदा था तो मैं स्मोक कर देता हूँ पीछे, तो बंदा आगे दिखा लेकिन वो फिर छुप गया। मैं सोचता हूँ पहले हील ही कर लेते हैं, मेरा हील भी कम था तो पहले तो हील कर लेते हैं। लेकिन चारों तरफ बंदा ही बंदा आ गया, तो मैं सोचता हूँ बग्घी थोड़ा सा सही करके लगा दूँ, क्योंकि आगे वाला का कवर मिल जाए, एक का तो कवर चाहिए। तो इधर बग्घी लगा के बग्घी में घुस जाते हैं एकदम। तो इधर से और एक पीछे से और एक बग्घी आ जाती है, लेकिन वो बग्घी भी भाग जाती है। अब इधर देखना एकदम टपा टप कितना गाड़ी आ जाती है। तो और एक गाड़ी गया, वो भी इधर से निकल गया। तो इधर तभी मेरे को पीछे से पड़ जाती है एकदम। अब इधर तो बचने का चांस तो जीरो था, लेकिन कैसे भी मैंने सर्वाइव कर लिया। अब देखो मैं सोचा तो मैं मर गया। अब इधर 10 HP में बच गया था, तो पहले हील कर लेते, तभी एक गाड़ी ठोका। तो ये वक्त के क्लच कैसा लगा, तभी मैंने हील करना स्टार्ट किया तो गाड़ी आके ठुक गई। तो भाई गाड़ी ठुक के थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड होकर साइड में चला गया, तो मैं बच गया। तो मैं तो पहले गाड़ी के अंदर ही घुस के हील कर लेता, तभी एक डासिया भी आ जाती है। अब इधर डासिया एकदम उधर ही आके ठोक देता है, लेकिन मैं उधर ही था तो बंदे को पता नहीं चला कि मैं हूँ, तो वो भी गाड़ी आके ठुक गई थी। तो इसको भी पेल देते। अब ये बग्घी वाला ऐसे क्या ही घूम रहा था, तो बग्घी वाला घूम के तो दूसरे साइड निकल गया, लेकिन आगे स्मोक हुआ। स्मोक में एक बंदा था जो MK चला रहा था, तो मैं सोचता हूँ पहले तो इसको हील कर लेते हैं पहले, क्योंकि भाई पूरा हेल्थ होगा तो मारने में भी एकदम आसानी होगी, लेकिन तो बिना हेल्थ का तो कोई कांड मार देगा। तो इधर स्मोक ही स्मोक हो गया था, तो मार दिख तो नहीं रहा था, तो मैं सोचता हूँ एक नेट कर देते क्या अगर कोई दिक्कत लग जाए। तो बंदा हल्का सा दिखा, लेकिन उससे पहले ही बंदा नेट से फट गया। अब बचा था 3 ही बंदा। अब एक बंदा गाड़ी लेकर इधर ही आ रहा था, तब इसको कैसे पेलते हैं देखो, एकदम उसका ढक्कन उड़ा देंगे। तो बंदा गाड़ी लेकर आ रहा था, इसको गाड़ी में डब्बा बना दिया। अब 2 ही बंदा बचा था, जो एक MK वाला लास्ट तक बचा रहता है। अब देखते हैं कैसे पेलते हैं उसको MK वाले को भी। तो इधर से लूट के मेरे को भी MK मिल गई थी। अब इधर मेरे ऊपर से सर्कल निकल गया था, तब सोचता पूरा ओपन सर्कल है, कहीं से भी भाई गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि बंदे को लोकेशन पता चले गया, नेट पे नेट करके भाई गांड फट देगा। तो मैं पहले इधर थोड़ा सा कूद कूद के देख लेता हूँ कि बंदा के लोकेशन कहीं पता चलता है कि बंदा है किधर। तो बंदा तो नहीं दिख रहा था, मैं सोचता था अब स्मोक करता हूँ आगे पहले, और लेट लेट के चलते सर्कल में, घिसते जाओ घिसते जाओ। तो मेरे पास इधर 3 स्मोक था, तो मैंने 3 स्मोक कर दिया सर्कल में जाने के लिए, कि बंदा कोई मेरे को स्पॉट ना कर पाए। अभी तभी एक बंदे को फुस्टम मिला, इधर घास के पीछे था तो बंदा दिखा।
तो बंदा तो मेरा स्मोक के ऊपर ही नेट कर रहा था जिधर गाड़ी फटा था, तो मैं उधर तो नहीं था, तो मैं बच गए, मैं पीछे की तरफ से निकल लेता हूँ सर्कल में एकदम। तो इधर पूरा रास्ते की तरह था, पूरा ओपन एकदम। मैं सोचता हूँ कि अभी मेरे को फेल ना दे, तो मैं पहले घिस घिस के तो आ ही जाता हूँ। तो इधर स्मोक था तो आगे वाला बंदा स्पॉट नहीं कर पाया। इधर भी एक बंदा था जो लेटा था, तो मेरे को नहीं दिख पाया। मैं रोड तो क्रॉस कर लिया। अब इधर देखो, इधर हल्का सा मोमेंटम दिखा, जैसे इसको देख रहा था कि हल्का सा मोमेंटम इसको दिखा रहा था कि बंदे को, जैसा जैसे ये हल्का सा दिखा तो इसको फेल दिया। तो आगे वाला बंदा भी के पास भी एमके था, तो एमके वर्सेस एमके, अब कौन जीतता है देखो। तो जैसे उधर देर था, मैं धनाधन 3 नेट कर देता हूँ, मेरे पास 3 जितना भी नेट मोली होता है सब कर देता हूँ, कि भाई पहले से तो बंदा लग जाए। तो नेट तो परफेक्ट था ही, उसके पीछे फट रहा था, लेकिन बंदा नहीं मर रहा था कैसे पता नहीं। तो वो देखना बंदा एकदम घिस घिस के लेफ्ट साइड से आगे आ जाती, तो इधर मैंने मोली भी कर दिया, लेकिन वो बंदा उधर था ही नहीं। अब वो बंदा देखना एकदम घिस घिस के आगे आ जाती है, इतना घिसेगा भाई। तो ये बंदे का हल्का सा दिखा, हाथ में एमके हो और बंदा स्पॉट हो जाए फिर समझ लो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ब्रो। और एक न्यू पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।